नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, आई रियली थिंक ए चैंपियन इज डिफाइंड नॉट बाय देयर विंस बट बाय हाउ दे कैन रिकवर व्हेन दे फॉल। सेरेना विलियम्स। हमारा हिंदी में एक बहुत ही फेमस गाना है, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम कितने चैंपियनशिप जीते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू डिफाइन आवर सक्सेस। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता। यानी हाउ दे कैन रिकवर व्हेन दे फॉल। सो सक्सेस का दो डेफिनेशन हो सकता है, या काफी सारा डेफिनेशन हो सकते हैं। उसमें से हम लोग ज्यादा देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव कोई कॉम्पिटिशन्स में ये पर्सन कितना बेटर परफॉर्म किया है। जैसे 10th का बोर्ड एग्जाम्स हो गया, 12th का बोर्ड एग्जाम्स हो गया, उसके बाद हायर स्टडीज का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स का, या आईआईएम का कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स, उसमें कौन कितना जीता है उसके ऊपर हम एक लेवल लगाने का कोशिश करते हैं कि ये चैंपियन है। नो डाउट ही इज ए चैंपियन, क्योंकि तभी तो आईएएस का इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो क्लियर करके टॉपर लिस्ट में आया है। आईआईएम कैट का जो एग्जाम है इतना कॉम्पिटिटिव है, उसमें से भी दे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। नो डाउट दे आर ऑल्सो चैंपियंस, बट यहाँ का जो कहना है कि हम हमेशा सक्सेस का स्वाद चखने में असमर्थ हो सकते हैं। तो उस टाइम पे जब हम गिर जाते हैं, जब हम फॉल बैक करते हैं, हम अपने मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है, अपना मनचाहा अटेंशन नहीं मिलता है, हमारा मनचाहा डेस्टिनेशन नहीं मिलता है, हमारा मनचाहा प्रमोशंस नहीं मिलता है, तो हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खुद को निकम्मा समझते हैं, नाकामयाब समझते हैं, फेलियर समझते हैं, लूजर्स समझते हैं। लेकिन उस टाइम में हमारा जो माइंडसेट होता है एट द लो एब, यानी बहुत ही हमारा जो माइंडसेट होता है नीचे की तरफ होता है, खुद को हम नकारा समझते हैं, नालायक समझते हैं। लेकिन उस फॉल बैक के बाद, गिरने के बाद, कैसे कोई रिकवर करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, फिर अपना सक्सेस का पंचम लहराते हैं, वही एक असली योद्धा है, वही एक असली चैंपियन है। सक्सेस मिलना, नो डाउट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, लेकिन किसी कारणवश अगर हम फॉल बैक करते हैं, गिर जाते हैं अपने ही नजर से, अपने ही डिसाइड किए हुए एक बेंचमार्क से, एंड खुद को नकारा समझने का कोशिश करते हैं, उस लेवल से फिर बाउंस बैक करना कोई आसान बात नहीं है। उस पॉइंट में कितने लोग, कितने बच्चे खुद को सरेंडर कर देते हैं हालात के ऊपर, खुद को सरेंडर कर देते हैं इस एनवायरनमेंट के ऊपर, इस सोसाइटी के ऊपर। लेकिन उसमें से कुछ ही लोग होते हैं अपना जिगर को मजबूत करके, अपने इरादों को मजबूत करके फिर बाउंस बैक करने का ताकत रखते हैं और फिर से दोबारा जान लड़ा देते हैं कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो जाऊं, फिर दोबारा उसको अचीव करूं विथ ब्राइट कलर्स, विथ flying colors। That is the
डेफिनेशन ऑफ चैंपियन। इस कोट में सेरेना विलियम्स ने यही बताया है, बीइंग एन सक्सेसफुल अमेरिकन टेनिस प्लेयर, कितने सक्सेस उनको मिला है, लेकिन कितने टाइम सक्सेस मिलते मिलते फेल्यूर्स आ चुके हैं। उस टाइम पे अपना माइंडसेट को हाई रखना कोई इजी या आसान बात नहीं है। फिर से दोबारा बाउंस बैक करना, अपना हेल्थ का इंजुरीज को रिकवर करके और फिर उसको संभाल के, उसको फिर रिकवर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर बाउंस बैक करना, फिर चैंपियनशिप का टॉप होना, ये मेंटल एजिलिटी का काम है, एक टफ माइंड का काम है। क्योंकि हम जब ही कुछ काम करने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, सक्सेस हमेशा हमारे फेवर में नहीं भी हो सकता है। उस टाइम पे नेगेटिविटी से, फ्रस्ट्रेशन से घिरे ना होने के जगह पे अगर कैसे बाउंस बैक करना है, दैट इज कॉल्ड द ट्रू चैंपियनशिप, दैट इज कॉल्ड द ट्रू चैंपियन, दैट इज कॉल्ड द ट्रू वॉरियर। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वही सिकंदर कहलाते हैं। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।